प्रतिभा, प्रतिभा कुछ नहीं हुआ। ये सब कैसे हुआ? सीरियस करके डॉक्टर, आप प्लीज देखिए ना। प्रेगनेंसी में ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। डोंट वरी एल्सी। को कैसे बताएंगे कि हम उनकी गीत को एक दिन के लिए देख भी नहीं सके। मां हमें कभी माफ नहीं करेंगे बेटा, कभी माफ नहीं करेंगे। दादी बाप प्लीज प्लीज दादी, मैंने मत रोइए प्लीज। दादी जो भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं। आप खुद को इल्जाम क्यों दे रहे? प्लीज प्लीज, कुछ नहीं होगा गीत को, कुछ नहीं होगा गीत को दादी, प्लीज चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। दादी माँ गीत को कुछ नहीं होगा। मैं ब्रो का फोन करता हूँ। आप लोग मेरी बात से सहमत है? बिल्कुल खुराना साहब, आपने तो हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा दे दिया। क्षमा कीजिएगा खुराना साहब, आपको यहाँ पर आकर जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए हम माफी चाहते हैं, मगर क्या कर, पिछले एक महीने से इस बेईमान मैनेजर की बेईमानी सहन कर रहे थे हम। कल से ये आदमी काम पे नहीं दिखेगा। पर सर मैं, तुम शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ, इसलिए चुपचाप से यहां से चले जाओ। निकलिए। मतलब भाई को अभी तक पता नहीं चला? फिर कब से मान को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, मान फोन उठा ही नहीं रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें और क्या ना करें। थैंक यू। बहुत अच्छे। मेरी मम्मी ने बताया जब मेरे पापा भगवान के पास चले गए थे
तब आपने ही हमारी मदद की थी। मेरे पापा अपनी कंपनी में काम करते थे। अच्छा? हाँ। माफ करना साहब जी, उतरो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? पलक। पलक, बहुत प्यारा नाम है। मेरे पापा ने रखा था। आपके पापा ने रखा था? आपको ये चोट कैसे आई? बस ऐसे। ऐसे नहीं लगती चोट, आपने जरूर कुछ शरारती की होगी। पर आप डरिए मत, जो जादू आता है। आपको जादू आता है? हाँ, बस अभी ठीक कर दूंगी। अब देरी हो रहा है ना? बिल्कुल नहीं, आपके जादू से बिल्कुल ठीक हो गया। आदि, शर्मा जी खुश रहे। आज से इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मेरी है। खुराना कंस्ट्रक्शन इसका सारा खर्चा उठाएगी। और हाँ, इस बच्चे को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी सर। ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ और एक पिता भी। चलो बेटा। डॉक्टर, डॉक्टर हमारी बच्ची कैसी है? सब ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है। बस आप भगवान से दुआ करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। कुछ नहीं होगा गीत को, कुछ नहीं होगा गीत को। हौसला रखो, कुछ नहीं होगा गीत को। दे बेटे, मान को किस तरह बताना तो होगा ना बेटे। दादी, कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन उठा ही नहीं रहे। उनके साथ में कोई और नहीं है क्या? हाँ बेटे, आधी उनके साथ है। आरी, मैं देव बोल रहा हूँ। हाँ देव साहब, बोलिए। रोका है? यही है। क्यों, क्या हुआ? जल्दी मेरे उनसे बात करो। ओके, लेकिन हुआ क्या? गीत के बारे में उनसे बात करनी है, जल्दी मेरी उनसे बात कराओ प्लीज। ऑलराइट सर, देव साहब का फोन है, गीत के बारे में बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो। ब्रो वो गीत, क्या हुआ गीत को? ब्रो गीत सीढ़ियों से गिर गई। बट डोंट वरी ब्रो, उसे हॉस्पिटल ले आए। सीढ़ियों से गिर गई कैसे हो? उसे चोट तो नहीं आई ना? और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी तो डॉक्टर से कुछ कहा नहीं है। वो ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर? हेलो, हेलो देव, कुछ बोला नहीं उन्होंने।
मुझे लगता है ब्रूक को बहुत शौक लगा। दादी का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर आती हूं। मैंने तुम दादी के पास बैठो, पानी मैं लेके आता हूं। हेलो दादी माँ, गीत कैसी है? अभी तक ऑपरेशन थिएटर में है, डॉक्टर्स कुछ बोल भी तो नहीं रहे। सीढ़ियों से गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई।
कैसी है? Thankfully, वो अब ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो चुके थे, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, बट थैंक गॉड हम उन्हें पूरी तरह से बचा पाए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। डॉक्टर साहब, बच्चा कैसा? बहुत कोशिशों के बावजूद भी हम बच्चे को नहीं बचा सके, 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 उसे अब होश आ चुका है, सब पता चल गया है उसे। आप सब चाहे तो उसे मिल सकते हैं। आई एम रियली सॉरी। Ha ha ha!